फैजान फारूक से जो रैपर हैं और कश्मीर के सोपोर से हैं। पेशे से मैकेनिक फैजान इस समय गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का काम कर अपने और अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन फैजान का दिल सिर्फ रैपिंग के लिए ही धड़कता है। फैजान का मानना है कि कश्मीर के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की। यूर बलो जानो बलो मरचान बापत गुबरो बलो रोशे रोशे बलो म्यान ओशे मदनो फैजान फारूक है और मैं सोपोर में रहने वाला हूँ। और रैप तो मैंने 2013-2014 से स्टार्ट किया, तो फिर 2016-17 के बाद हमने वीडियोस यूट्यूब पे डालने शुरू किए। तो हमारे वीडियोस बेस्ड ऑन रियलिटी होते हैं, सब रियलिटी होता है। तो अभी और कर रहे हैं और आने वाले हमारे कश्मीर में रैप का कोई फ्यूचर नहीं है जिस हिसाब से देखा जाए, बट जो अच्छे अच्छे कंटेंट है अगर उनको आगे ले जी। पहले मैंने देखा बहुत सारे रैपर्स थे बोहेमिया बाकी सब, तो फिर मैंने कश्मीर में एक रैपर देखा जिसका नाम एमसी कैश और अलिफ अली सैफुद्दीन भाई, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अच्छा ही। आज तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। कोई नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा भाई, प्रोफेशन आप क्या काम करते हो? ये भाई प्रोफेशन मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं मैकेनिक बाइक्स का काम करते हैं और मेरे साथ 5-6 और बंदे हैं तो हम यही काम करते हैं, यही प्रोफेशन है मेरा। जो भी यहाँ पर छोटे छोटे रैपर से मर्जी में उनके लिए कोई मैसेज? जो भी छोटे छोटे रैपर, जो भी आजकल रैपर्स बन रहे हैं, रैपर्स हैं कश्मीर में, तो उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, अच्छे अच्छे जो हर कोई सुने, हर एक बंदा सुने, गाली गलौज ये सब कुछ बंद कर दो। गवर्नमेंट को तो यहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे बंदे हैं जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो तो वो बहुत आगे जा सकते हैं।